हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतूस क्लास 9 चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट सर्कल्स इन 20 मिनट्स। तो यार सर्कल पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको सिर्फ 20 मिनट में खत्म करवा दूंगा आज के सेशन में। जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और हर कॉन्सेप्ट पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा इस चैप्टर में। तो पूरा का पूरा रिविजन हो जाएगा आप लोगों का सर्कल्स का सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो यार चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर में। सो रेडी सेडी गो करते हैं, है ना। तो यार अगर मैं बात करूं सर्कल चैप्टर की तो ये जो चैप्टर है ना, आप लोगों के पास ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। सबसे पहले आप लोगों के पास कुछ टर्म्स है इस चैप्टर में, कुछ टर्म्स है, फिर आपके पास कुछ थ्योरम्स है इस चैप्टर की, और फिर आपके पास आता है एंड में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये तीन पार्ट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। बारी बारी से हम तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप लोगों के इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से बनते हैं। ये तो टर्म्स आपको पता है, रेडियस क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये टर्म्स में इंट्रोडक्शन है आप लोगों के पास कि सर्कल होता क्या है। इस तरीके की कोई भी फिगर जो होती है ना, वो सर्कल कहलाती है बेसिकली। सर्कल होता क्या है कि एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स डिस्टेंस, ये जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस को जब आप उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को बनाते हो, मतलब ये थोड़ा गलत बन गया है, किसी एक फिक्स पॉइंट से आपने एक फिक्स डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट, दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर आर डिस्टेंस पे आपने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, आर डिस्टेंस पे आपने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, और इन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को जब आप वो करते हो, फॉर्म करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज सर्कल, है ना, वो सर्कल होता है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, है ना। ये क्लॉक वगैरह ये सारे के सारे एग्जांपल है सर्कल के। सर्कल का एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, और ये पूरा का पूरा सर्कल होता है। इसमें आप एरिया ऑफ सर्कल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। सर्कल ज्योमेट्रिकल सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल सर्कल का मतलब होता है कुछ थ्योरम्स। अच्छा, लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो यार, ये सर्कल है हमारे पास, है ना, ये सर्कल है हमारे पास। ये सर्कल के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सर्कल के बाहर वाला पार्ट, उसको बोला जाता है एक्सटीरियर पार्ट, और एक होता है सर्कल के अंदर वाला पार्ट, उसको बोला जाता है बेटा इंटीरियर पार्ट, ठीक है ना। कई बार जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं ना, बाहर है अंदर है, तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर के ऊपर वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार एमसीक्यू। अब उसके बाद आप लोगों के पास सर्कल में कुछ कुछ चीजें आती है, कुछ टर्म्स आती है। जैसे मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या होता है बेटा, रेडियस। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अच्छा, अब अगर मैं आपका सर्कल का कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ करूं, तो इस लाइन को जो अगर ये सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, अगर ये सेंटर से पास होती हुई जा रही है लाइन, तो इस लाइन को बोला जाता है बेटा क्या, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर, ठीक है। और अगर आप सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दो, बट वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इस लाइन को बोला जाता है बेटा कॉर्ड, क्या बोला जाता है, कॉर्ड बोला। और ये जो डायमीटर होता है ना, ये भी तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है ना, तो क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है? जी हाँ, डायमीटर को भी हम कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर एक तरह का कॉर्ड ही होता है, और डायमीटर जो होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आप लोगों के पास ये कुछ और टर्म्स आती है सर्कल में। जैसे आपके पास ये सर्कल है, अगर आप सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हो, तो इसको बोला जाता है बेटा आर्क। अब देखो, दो तरह की आर्क बनी है, एक छोटी आर्क है और एक बड़ी आर्क है। छोटी आर्क को माइनर आर्क और बड़ी आर्क को मेजर आर्क बोला जाएगा, सिंपल, है ना। कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो आप लोग इस तरीके से। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आता है बेटा सेक्टर और सेगमेंट, क्या चीज होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये आप लोगों के पास सर्कल है, सर्कल के सेंटर से मैंने इस तरीके से दो रेडियस को ज्वाइन किया। अब दो रेडियस ने इसके सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ये वाला एक ऊपर वाला, तो इस पार्ट को बोला जाता है बेटा सेक्टर, और जो छोटा वाला सेक्टर होगा उसे बोला जाएगा बेटा क्या, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। ये टर्म्स याद रखना, 10th ग्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों के पास मान लो ये सर्कल है,
ये सर्कल के मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में ड्रॉ कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो कॉर्ड है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है यार सेगमेंट। इसको बोला जाता है क्या? सेगमेंट बोला जाता है। जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोला जाएगा क्या? मेजर सेगमेंट। समझ गए? तो इस तरीके से ये आपके पास कुछ टर्म्स होती है सर्कल में जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, आ जाओ। अब आप लोगों के पास एक सबसे बेसिक सा सवाल है। सबसे बेसिक सा सवाल क्या है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ डायमीटर, है ना? सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की वो क्या होती है? डायमीटर। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ द डायमीटर। कह रहे कि एक आर्क जो होगी, ये मान लो आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल की ये जो आर्क है ना, ये एक आर्क है, मान लो ये एक आर्क है, ठीक है, ये वाली जो है ये एक आर्क है। तो जब मैं इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये क्या, ये क्या बन जाता है? ये डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये जो पूरी की पूरी आर्क होगी मेरे पास, मतलब ये जो आर्क बनी है, ये क्या होगी बेटा? ये सेमी सर्कल बना रहा है ना आपका, सेमी सर्कल। तो ये क्या होता है आपके पास? सेमी सर्कल होता है। तो वो आर्क क्या बन जाती है आपकी? सेमी सर्कल, अगर उसके दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास डायमीटर मिलता है। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़, फिर आपके पास आता है बेटा एक टर्म, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। या तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, या तो फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो ध्यान से समझो, ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल की कॉर्ड है, कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड के दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स ने सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल फॉर्म किया, मान लो ये एक एंगल फॉर्म किया, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन बाय अ कॉर्ड, या फिर बाय एन आर्क भी होता है ये कई बार। इस आर्क ने भी तो ये एंगल फॉर्म किया ना, तो या तो ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क होगा, या तो फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल पे कहीं पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मान लो अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल के सेंटर पे एंगल फॉर्म करते हैं, ये सर्कल का सेंटर है, तो क्या कहलाएगा ये एंगल? ये एंगल कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे वो कर रहा है तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, जहां पे भी एंगल फॉर्म करेगा बस वो चीज आ जाएगी। ठीक है जी, सेंटर पे तो सेंटर और कहीं पे कहीं पे। अब आपके पास कुछ थ्योरम्स है, ध्यान से समझना इन थ्योरम्स को। पहली थ्योरम क्या कहती है? कि अगर किसी सर्कल की कॉर्ड इक्वल है, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स है और दोनों की दोनों कॉर्ड्स बराबर है, तो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा दोनों कॉर्ड्स का वो इक्वल होगा, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो इक्वल होगा। फिर एक इसके कन्वर्स है कि अगर सेंटर पे एंगल इक्वल है तो दोनों की दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। पहले वाले में था अगर एंगल कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर का एंगल इक्वल होगा, और अगर सेंटर का एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगली थ्योरम क्या कहती है? कि मान लो आपके पास ये कोई कॉर्ड है और इस कॉर्ड पे आपने सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सर्कल के सेंटर से आपने क्या किया? कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर आप किसी कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब इसका कन्वर्स भी जानो। कन्वर्स क्या कहता है? कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है और आपने उसके मिड पॉइंट से, आपने उस कॉर्ड के मिड पॉइंट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया है, तो वो जो कॉर्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसमें कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी कॉर्ड। अगर आपने कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी कॉर्ड पे। ठीक है, अच्छा अगला, अगर आपके पास दो बराबर कॉर्ड्स है किसी सर्कल में तो सेंटर से जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा। दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर इतना? अच्छा अब इसका कन्वर्स, अगर ये डिस्टेंस बराबर है, अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड भी बराबर हो जाएगी, है ना? एक थ्योरम फिर उसका कन्वर्स, एक थ्योरम फिर उसका कन्वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट।
अब इस चैप्टर में बेटा जो सबसे ज्यादा सवाल आपके पास आते हैं, दो टॉपिक से आते हैं, एक आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एक है ये थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ जरूर करना बेटा, इस थ्योरम का प्रूफ जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम का प्रूफ, है ना। कह रहे कि यार आप लोगों के पास अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और मैं मतलब बना के दिखा दूं, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, अब देखो दो चीजें आप समझो, समझो इस चीज को, इस थ्योरम को थोड़ा ढंग से समझो। ये देखो इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पे एक एंगल फॉर्म किया, ठीक है, मान लो इस एंगल की वैल्यू है 2x, ठीक है। अच्छा, अब इन एक तो आर्क हो गई ये, और एक आर्क हो गई ये व्हाइट कलर वाली, इस आर्क को बोला जाएगा बेटा रिमेनिंग आर्क। क्या बोला जाएगा? रिमेनिंग आर्क। अब इन दोनों पॉइंट्स ने अगर इस रिमेनिंग आर्क पे कहीं पे भी कोई एंगल फॉर्म किया है, कहीं पे भी कोई एंगल फॉर्म किया है, तो वो इस सेंटर वाले के हाफ हो जाएगा, सेंटर वाले के क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स ने सर्कल के किसी भी पार्ट पे अगर कोई एंगल फॉर्म किया है, वो क्या हो जाएगा? सेंटर वाले के हाफ हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स ने अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के पॉइंट पे, कहीं बीच में नहीं, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये थ्योरम है रिमेनिंग पार्ट पे, इस आर्क पे नहीं, रिमेनिंग जो बची हुई आर्क है, इस आर्क ने तो सेंटर पे एंगल फॉर्म किया, अब जो ये बची हुई आर्क है ना, यहाँ पे अगर कहीं पे भी एंगल फॉर्म कर दिया इस इन दो पॉइंट्स ने, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आप लोगों के पास क्या है? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट क्या है? जैसे मान लो आपके पास ये है, ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, फिर दोबारा से बेटा अब ये एक आर्क हो गई, ये एक आर्क हो गई। अब अगर ये जो दो पॉइंट्स है, इन्होंने यहां पे कोई एंगल फॉर्म किया थीटा, और इन दोनों पॉइंट्स ने सेम आर्क पे अगर एंगल फॉर्म किया, तो वो एंगल भी क्या होगा? बराबर। कहीं पे भी एंगल फॉर्म कर दे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इस आर्क पे, इसी आर्क पे होना चाहिए, तो वो एंगल क्या होगा? सेम होगा। एंगल क्या होगा? वो सेम होगा, ठीक है जी। इधर वाली ये जो रिमेनिंग आर्क है ना, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल फॉर्म करे, वो एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत बढ़िया सा सवाल है ये, कह रहा है ये 70 डिग्री है, 35 डिग्री है, आपको कौन सा एंगल निकालना है? ए सी बी, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है। अब यार आप एक चीज को समझो, मैंने यहाँ पे इस सर्कल को बना था, ये सर्कल है, ये आपके पास दो पॉइंट्स है, एक है ए एक है बी, है ना। इन दोनों पॉइंट्स ने यहाँ पे ए सी बी, यहाँ पे ये एंगल सी है ना, इसको मैंने एक्स मान लिया, ये एंगल एक्स, ये हमें निकालना। अब इन दोनों पॉइंट्स ने एक और एंगल बनाया है इसी आर्क पे, जो कि है ए डी बी, तो क्या ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, या फिर एंगल्स ऑन द सेम आर्क इक्वल होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है? जितना वो एंगल है उतना ही ये वाला एंगल भी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, आप इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? या फिर हाँ देखो कैसे निकालोगे, ये सर्कल है बेटा, ध्यान से देखना, ये आपके पास डी है, ये आपके पास बी है, और ये यहां पे आप लोगों के पास क्या है? ए है, ठीक है। यहाँ बीच में से एक लाइन जा रही है, मैं उस लाइन को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये जो लाइन है, ये सर्कल के सेंटर से पास होती हुई जा रही है, सर्कल के सेंटर से पास होती हुई जा रही है, यानी कि ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। और हमने हमें पता है कि सर्कल के सेंटर पे इस आर्क ने अगर 180 डिग्री का एंगल बनाया, इस आर्क ने अगर सर्कल के सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये वाला एंगल आपको दिया गया 35, और ये वाला एंगल है x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x plus 90 plus 35 is equals to 180 डिग्री, तो 90 plus 35 कितना हो जाएगा? 125, तो ये हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री। Got it? तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास?
बुझे। ठीक है, बस बहुत सिंपल सी काम है। ठीक है जी, चलो अब एक सवाल ये है, कह रहे कि इन द फिगर एट राइट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, आपके पास ए बी दिया गया है 8 यूनिट, रेडियस है इसका 5 यूनिट और सी डी दिया गया है 6 यूनिट और ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है बेटा सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 6 था, ठीक है। रेडियस आपको दिया गया है 5, तो ये रेडियस है आपके पास, ये रेडियस 5 दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये निकल जाएगा 3, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये निकल जाएगा 4, तो पी क्यू निकालना था आपको, पी क्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि आप लोग काफी दिनों से देख भी रहे होंगे द्रोना के बारे में हम लोग बता रहे हैं। सो द्रोना बेसिकली एक रिवीजन बैच है गाइस, जो कि आप लोगों के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, है ना। जैसे कई बार बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं भैया आप हमें इग्नोर कर रहे हो, आप हमारी चैट नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो उन बच्चों को एक पर्सनल अटेंशन देने के लिए हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं विच इज द्रोना, जो कि आप लोगों का 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। 3 जैन से लेके 16 फेब तक ये बैच आप लोगों का चलेगा, जिसमें हम आप लोगों को फुल सिलेबस रिवीजन करवाएंगे फ्रॉम चैप्टर 1 से लेके पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर हैं आप लोगों के, जितने भी इम्पोर्टेंट PYQs होंगे वो करवाएंगे, जितने भी लाइक आप लोगों के डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स कैटर किए जाएंगे। जैसे अगर आज मैं पॉलीनोमियल्स करा रहा हूँ तो आज जितने भी पॉलीनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और आप लोगों का अगर कोई डाउट होगा उस चैप्टर में तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इन क्लास, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसी बैच में मिलेंगी, है ना। और इस बैच की जो टाइमिंग है वो है बेटा 6 से 7 और 7 से 8, ये टाइमिंग्स इस बैच की रहेंगी। एक दिन में आप लोगों के 2 सेशंस होंगे और लगभग ये जो बैच है आप लोगों के पास 60-70 सेशंस तक जाएगा, 60-70 सेशंस तक ये बैच जाएगा, है ना। और इस बैच को बेटा YouTube पे हम लॉन्च नहीं कर रहे, YouTube पे ये बैच नहीं आएगा, क्योंकि ये हम वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ना मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यहाँ पे YouTube पे हम बात नहीं कर सकते, है ना, आपके डाउट मैं केटर नहीं कर पाता उतने ज्यादा, है ना। तो ये जो बैच होगा ना ये हम YouTube पे नहीं बट वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कुछ प्राइस है, यस वो अभी मैं बताता हूँ। लेकिन इस बैच के बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है, जैसे कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, अनकैम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो हम यहाँ पे केटर कर सकते हैं, है ना। और इसमें पढ़ाएगा कौन, मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स अभिषेक सर पढ़ाएंगे, SST सुरभि मैम पढ़ाएगी, बायोलॉजी खुशबू मैम, निकिता मैम केमिस्ट्री पढ़ाएंगी एंड ओशिन मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो जितने भी आपके यूट्यूब के टीचर्स हैं वो सभी आपको यहाँ पे इस बैच में पढ़ाएंगे। अब इस बैच की जो फीस है बेटा वो आप लोगों की 2 मंथ की 3000 रुपये इसकी बैच की फीस है, है ना। अच्छा, तो 1 मंथ की जो आप लोगों की फीस रहेगी बेटा वो कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 1500 रुपये हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट कैटर कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट कैटर कर रहे हैं जिसकी फीस कितनी है 1500 रुपये। और अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं तो एक सब्जेक्ट की जो कॉस्ट आप लोगों को पड़ेगी वो लगभग 375 रुपीज पड़ेगी, जो आई थिंक आप अगर अपने आस पड़ोस में कहीं पे ट्यूशन वगैरह जाते हो तो एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो 500 रुपये 1000 रुपये इससे कम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको 375 रुपये में पूरा का पूरा फुल सिलेबस, जितने भी डाउट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे करवाएंगे आपको, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके अलावा इस बैच में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, है ना, और 3 जैन के बाद हम बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेंगे, तो मेक श्योर कि आप लोग इस बैच में जरूर एनरोल करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा द्रोना बैच, है ना, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हो खुद को, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, दैट इज दिस कि फ्री मॉक टेस्ट पेपर, है ना। तो बेसिकली हम हर सब्जेक्ट के आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग इन मॉक टेस्ट पेपर को, ये CBSE के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है,
है ना, जैसा सीबीएसई का पैटर्न होगा ना, साइंस के 3 मॉक टेस्ट पेपर, मैथ्स के 3 मॉक टेस्ट पेपर और केमिस्ट्री के एसएसटी के 3 मॉक टेस्ट पेपर और क्या नाम है उसका, इंग्लिश के 3 मॉक टेस्ट पेपर, तो हर सब्जेक्ट के आपको 3-3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, है ना, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर द्रोणा में आओ ना आओ ये मॉक टेस्ट पेपर जरूर ले लेना, ठीक है ना, हेल्प मिलेगी एग्जाम, ठीक है, ये कुछ प्रोसेस है कि कैसे आप लोग मॉक टेस्ट पेपर को एक्सेस कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल को टच करता है, जिसके चारों वर्टिसेस क्या होने चाहिए, सर्कल को टच करने चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सिर्फ 3 वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं, ये सर्कल को टच नहीं कर रहा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, समझे, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत होती है कि इसके ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ओपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री। अब आप लोगों के पास ये सवाल है, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, O is the center of a circle। देखो ध्यान से समझना, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास एक पॉइंट है B, इसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, B और D ने सेंटर पे एक एंगल बनाया 150 का, और रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल है वो है y, तो क्या y इसका आधा नहीं हो जाएगा, हाफ ऑफ 150 नहीं होगा, हमने थ्योरम पढ़ी है, तो y कितना हो जाएगा बेटा 75 डिग्री। तो ये जो y है ये कितना हो गया आपके पास 75 डिग्री। अब इस सर्कल को देखो, अब ये आपके पास पॉइंट है C, ये आपके पास पॉइंट है B, ये आपके पास पॉइंट है A और ये आपके पास पॉइंट है D, ठीक है ना, सिर्फ इतना फिगर देखो, ये अगर 75 है और ये अगर x है, तो ये आमने सामने ओपोजिट एंगल्स हो गए ना, तो ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, तो ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 75 उधर भेजोगे तो 105 आ जाएगा, तो x 105 आ गया और y आप लोगों के पास 75 आ गया, ठीक है। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं सेशन के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डाल देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स जो भी ये देख रहे हो ना आप, ये सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। नाउ गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। बाय बाय।